नजर आता है। मैं इष्ट गुरु जम्बेश्वर भगवान को नमन करती हूँ और उपस्थित संत समाज को मेरा प्रणाम, जिन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण इस समाज के उन मूल्यों को जिंदा रखने के लिए अर्पित कर दिया जिन पर ये समाज कभी खड़ा हुआ था। और हर खास आम शख्सियत को मेरा प्रणाम जो इन मेलों की शान बने हुए हैं। आज मुकाम की इस पावन धरा पर बोलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है तो मैं अपनी बात वीरों और वीरांगनाओं के उन बलिदान से शुरू करना चाहती हूँ जिनका नाम ले हम गर्व से कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं। एक नज्म लहू सू महंगा दरखत में मैंने उन सब के बलिदानों को पिरोने की एक छोटी सी कोशिश की है जो हमारे असली आभूषण हैं। बलिहारी इतिहासरी उर्सू उमड़े आज गुण गाऊं गुरु नाम रो पूर्ण की जो काज। बलिहारी इतिहासरी उर्सू उमड़े आज गुण गाऊं गुरु नाम रो पूर्ण की जो काज। एक राह बताई जांभोजी ना सगुन है ना टीपणो, एक राह बताई जांभोजी जिसको हम सब भूलते जा रहे हैं, ना सगुन है ना टीपणो कुदरत सू थे प्रेम करो नियम थे गुणती सगिनो। जद जोधाना शहर रे माई आफतरी आंधी आई ही उन वक्त अमृता दुनिया ने धर्मरी बात सुनाई ही। कर्मा गौरा रे हिवड़े सू निकली ही बे हलकारा जिसे आज हम सब भूलते जा रहे हैं। जब हम पूछते हैं कि कर्मा और गौरा कौन थी तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। तो कर्मा गौरा रे हिवड़े सू निकली ही बे हलकारा भक्ति रो दीप संजोयो बे हर सूरा ने दी बे फटकारा। रचियोड़ा हा रण रण बंका आतुर उमड़ी ही तबाई उन वक़्त शीश दे खुद रो रण ने बे जोधन कियो मनाई। निहाल चंद जीरी गुण गाथा धर्म रा बे सूर हटीला सौर्य चक्र रो मान दियो गूंजे बारा प्रण गर्वीला। सतवादी घना सपूतारी ने तू खिवनी रो त्याग सरावे है। सतवादी घना सपूतारी ने तू खिवनी रो त्याग सरावे है। बलिदाना रो ठाठ अठे ए रूखा पर लहू बरसावे है। बलिदाना रो ठाठ अठे ए रूखा पर लहू बरसावे है। सिंहारे इन देश में ना दीठो बिरबल जेड़ो सूर कठे मरण ने मंगल मान बे मृगा खातिर दीनो नूर अठे। खोजियो तो तथा मिलो अठे वीरारी गाथा रो ठाट भरियो अडिग हावे बातरा धर्म रो धनुष बांके कंधे धरियो। हाथल बल निर्भय हियो गंगा राम गज गात कायर थर थर कांप गया सुनने जिन री बात। बैरिया रो रस को रोक्यो मृगा रो मान बढ़ायो हो कलयुग में वो कहरी लड़ पड़ियो और अपनो शीश चढ़ायो हो। हाको सुनता हूल से पग पड़ता खलबल मचे हाको सुनता हूल से पग पड़ता खलबल मचे। विष्णु इरी दास्ता सरोज गर्व सू आज रचे। विष्णु इरी दास्ता सरोज गर्व सू आज रचे। आगे बोलू दो मिनट गुरुजी। जब इतिहास को सुना तो एक मर्म एहसास हुआ कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। जहाँ एक तरफ हमारे भारत गुरु महाराज की बताई गई राह है तो दूसरी तरफ अमृता जैसी धर्म पर मिटने की चाह। इतिहास में ऐसी हजारों दास्तानें भरी पड़ी हैं जो युद्ध का कारण बनी, लेकिन कर्मा और गौरव की अनूठी दास्तान अगर किसी के पास है तो वो विष्णु समाज के पास है जिसने एक रचे हुए संग्राम को टाल दिया। उन्होंने न सिर्फ पेड़ों की रक्षा की वरन हजारों घरों को अपने प्राणों का बलिदान देकर उजड़ने से बचाया। और अपनी इसी अनूठी दास्तान के कारण आज विश्व मंच पर विष्णु समाज पर्यावरण रक्षा का पर्याय बना हुआ है जिसकी एक झलक डेक्कन हेराल्ड न्यूज़पेपर में मुझे देखने को मिली। वे लिखते हैं कि इंडिया विष्णु कम्युनिटी इज द मोस्ट पावरफुल कास्ट हु विलिंग टू सैक्रिफाइस देमसेल्फ टू प्रोटेक्ट एनिमल ट्रीज एंड नेचर। इंडिया विष्णु कम्युनिटी इज द ओरिजिनल इको वॉरियर्स दे लिव इन हार्मनी विद नेचर एंड काइंड टुवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग्स। यानी कि भारत की एक ताकतवर जाति हैं हम जिनके जीने का आधार
सद्भाव है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि 15 लाख की आबादी के इस समाज का जीने का आधार सद्भावना है, और बहुत फख्र होता है ये सुनकर कि जिन मूल्यों पर ये समाज स्थापित हुआ था, दया और सद्भावना, वो आज भी लोगों में जिंदा है जो वो हर जीवित प्राणी के प्रति रखते हैं। अगर इतिहास से निकलकर आज की बात करें तो यकीनन बहुत कुछ बदल चुका है। वक्त के साथ बहुत से बदलाव ऐसे हुए जिन्होंने जीवन को आसान बना दिया, और बहुत सी चीजें ऐसी हुई जिन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया। इस करवट बदलती दुनिया में सरपट भेड़ चाल भागते लोगों को लिए, जो अपने ही अंदर मन में उलझे पड़े हैं, आईने दौर दिखाना चाहती हूँ अपनी इन पंक्तियों के साथ, और अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि अद्भुत सी इस कुदरत की यारों अपनी एक कहानी है। अद्भुत सी इस कुदरत की यारों अपनी एक कहानी है। कोई प्रभातों में पुष्पित होता तो कोई रात की रानी है, जो बिन बातों के उन घातों को हंसकर सहना सीख गए, जो बिन बातों के उन घातों को हंसकर सहना सीख गए, वो पारावर के प्रवाहों में डटकर बहना सीख गए, जो इधर उधर मन की बातों में बाधित होकर रह गए, जो इधर उधर मन की बातों में बाधित होकर रह गए, वो परवाजों के आघातों से पत्ते बनकर ढह गए, जो महानों की मृग तृष्णा में व्याकुल होकर निकल गए। ये मेरे उन भाइयों के लिए है जिनको जिंदगी, दोस्ती, यारी और एक्सेट्रा से आगे कुछ नहीं लगती, जो महानों की मृग तृष्णा में व्याकुल होकर निकल गए, वो बरसातों के ओले बनकर पल भर में थे पिघल गए, वो बरसातों के ओले बनकर पल भर में थे पिघल गए। और उनके लिए जो अपने परिवार को छोड़कर दूसरों की बातों में आ जाते हैं, जो अनजानों के बहकावों में अपनों को थे छोड़ चले, जो अनजानों के बहकावों में अपनों को थे छोड़ चले, वो अंधियारों को अपनी राहें खुद ही थे मरोड़ चले। और जिनको आजादी के सर्प ने इस कदर डंसा है कि आज उनकी जिंदगियां बिन पतंग की डोर बन के रह चुकी है, तो जो आजादी के उत्साहों में भ्रमित होकर भटक गए, जो आजादी के उत्साहों में भ्रमित होकर भटक गए, वो बिन बुनियादी आवासों के छज्जे बनकर लटक गए, वो बिन बुनियादी आवासों के छज्जे बनकर लटक गए। और अंत में जिनके लिए अपने कहे कथनों का कोई मूल्य नहीं है, तो जो अपने कहे महंगे कथनों से निर्लज होकर मुकर गए, जो अपने कहे महंगे कथनों से निर्लज होकर मुकर गए, वो जीते जी अपने जीवन से कब के ही थे गुजर गए, वो जीते जी अपने जीवन से कब के ही थे गुजर गए। तो मेरी समाज से दरखास्त है कि अपने मन में एक मंथन अवश्य करें कि कहीं वो कथनी और करनी के भेद में आकर जीते जी गुजर तो नहीं गए हैं, क्योंकि ये वो विष्णुई समाज है जिसकी हसरतें कभी हंसों की तरह पैसे पायस पीने की हुआ करती थी, जो आज अपनी ही कथनी और करनी के भेद में कहीं न कहीं पड़ा नजर आता है, और जो कहीं न कहीं छलावों में भी आ रहा है, क्योंकि आज हमें हंसों में छुपे उन बुगलों को पहचानना है जो इस समाज का दायरा सीमित कर रहे हैं, क्योंकि ये वो विष्णुई समाज है जिसका सामर्थ्य संपूर्ण राष्ट्र का पथ प्रदर्शन बनने का है। और अंत में साहिर लुधियानवी जी की दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, क्योंकि ये संत समाज का अमूल्य समय है जिसे मैं नहीं लेना चाहती। तो बहुत आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नारी पे, हमें गर्व है विष्णु समाज को प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी अमृता देवी ऐसे भी हमारे पूर्वज हुए जो इतिहास